दोस्तों, आजकल एक स्लोगान चल रहा है, हमें चाहिए आज़ादी। सही बात है भाई, आज़ादी तो सबको चाहिए, लेकिन किसे आज़ादी चाहिए? जब मैंने स्लोगान का आगे और सुना तो मैंने कहा, ये कौन सी प्रकार की आज़ादी मांगा जा रहा है? ये तो वही बात हो गई कि बिल गेट्स सामने खड़े हैं और हम उनको मांग रहे हैं कि हमें एक पान का दुकान खुलवा दीजिए। हमें आज़ादी चाहिए, किसे आज़ादी चाहिए? हमें चाहिए आज़ादी अज्ञानता से, जिस अज्ञानता के कारण आज इतना टेररिज्म है और एक दूसरे का गला काट रहा है, एक दूसरे के का बलात्कार कर रहा है, चोरी हो रहा है। तो हमें इससे आज़ादी चाहिए। हमें चाहिए आज़ादी दूषित भोजन से। आज जितना भी फल और सब्जियां वगैरह हम खाते हैं, सारे पेस्टिसाइड अफेक्टेड है, उसमें सिर्फ यूरिया ही मिलता है, जिसके कारण जो है मतलब हमारे बहुत ज़्यादा कैंसर का मात्रा बढ़ रहा है और बीमारी का मात्रा बढ़ रहा है। हमें चाहिए आज़ादी दूषित पानी से। पानी आज दूषित पानी, बहुत लोग दूषित पानी पी रहे हैं। और अगर जिसके पास पैसा है वो अगर पानी खरीद के भी पीता है तो वो पानी नहीं होता, वो सिर्फ लिक्विड होता है, जिसमें सिर्फ कोई मिनरल्स नहीं होता। मिनरल्स को पहले ही फिल्टर करके निकाल दिया जाता है। हमें चाहिए आज़ादी दूषित दूध सेवन से। WHO के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इंडिया का जो खपत है वो 64 करोड़ लीटर है दूध, और प्रोडक्शन कितना, 14 करोड़ लीटर दूध। तो बाकी जो 50 करोड़ लीटर कहाँ से आ रहा है? बस बनावटी दूध है, जहर है। तो इसलिए WHO का जो रिपोर्ट आया था कि दूध नहीं जहर पीती है इंडिया। हमें इसे आज़ादी चाहिए। हमें चाहिए आज़ादी किसे? जिस प्रकार आज गलत प्रशिक्षण दिया जा रहा है स्कूलों और कॉलेज में, कोई संस्कार नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। आजकल नैतिकता धीरे 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 कम हो रहा है, जिसके कारण जो है छात्रों को इन्फॉर्मेशन तो मिल रहा है लेकिन कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। धीरे धीरे वार्धक्य आश्रम बढ़े जा रहा है और आत्महत्या बढ़ रहा है। तो हमें इससे आज़ादी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, किसी के जो जो मोटिव, कोई गलत मोटिवेशन अगर कोई दे रहा है तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि आप लोग जो प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट करने से पहले ये जान तो ले कि हम किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं है किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। NRC का फुल फॉर्म बता दीजिए। नेशनल रिलीजियम सिटीजन। सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसकी फुल फॉर्म से। NRC की फुल फॉर्म मेरे को तो याद नहीं है पूरा। नेशनल रेजिस्टेंस ऑफ ऐसी करके बिल है। NRC नेशनल रजिस्टर्ड कार्ड नहीं पता है मैम। नेशनल रिलीजियम ऑफ। आप लोगों का समय, आप लोगों का ऊर्जा, ये बहुत ही कीमती चीज है। आज के युद्ध जो है वो कल देश के भविष्य है। तो इसलिए दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग किसी बड़े की सलाह ले लीजिए, खुद सोचिए कि आप अगर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो किस लिए प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। क्या ये समाज के हित के लिए कर रहे हैं, या कोई किसी एक व्यक्ति को कि गलत मोटिव का आप शिकार हैं। कई प्रकार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है अपना नाम कमाने के लिए, राजनीति में आने के लिए, वो
यूथ को गलत मोटिवेशन देते हैं और फिर उनको जो है रास्ते में खड़ा कर देते हैं, और उससे क्या होता है, यूथ तो बर्बाद हो जाता है लेकिन वो लोग जो है अपना नाम कमा लेते हैं और अपनी जो है राजनीति में वो इस्टाब्लिश हो जाते हैं। और मैं साथ साथ आपको एक वीडियो भी आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको आप देखिए और आप जो है कोई भी कदम उठाने से पहले सोचिए, विचार कीजिए और जो है आप बड़ों का सलाह लेके जो है इस प्रकार कदम उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा किसी किताब में, किसी गीता में, किसी रामायण में नहीं लिखा है कि जो सरकार बरसों से चल रही है उसको हमेशा चलना चाहिए। हमें भी इस देश में सरकार बनाने का पूरा हक है जो हम हासिल करके रहेंगे, और इसके लिए हमें इलेक्शन जीतना होगा। और इलेक्शन जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? वोट हासिल करने होंगे। और वोट हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जनता का विश्वास हासिल करना होगा। और जनता का विश्वास हासिल करने के लिए हमें जनता का सरकार पे से विश्वास हटाना होगा। और जनता का विश्वास हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि लोग इस सरकार को निकम्मी, नाकारा और बेकार समझकर किसी और पार्टी को कुर्सी पर बिठाने पर मजबूर हो जाएं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? चारों तरफ बेचैनी, खौफ का माहौल पैदा करना होगा। हर सूबे, हर शहर, हर गांव में कत्लोआम, डकैती, फसाद कराने होंगे, जैसे हिंदू मुस्लिम फसाद, सिख और हिंदू फसाद, क्रिश्चियन हिंदू फसाद, मुस्लिम शिया सुन्नी फसाद। मतलब इतना कत्लो खून और गलत हो कि लोग घबरा जाएं, सरकार की कुछ समझ में ना आए और पुलिस कुछ ना कर पाए। और जब देश दहशत और जुल्म की आग में जल रहा होगा तो हम अपने घरों से निकलकर स्टेज पे खड़े होकर सरकार की बुराइयां शुरू कर देंगे और साथ में जनता को एहसास दिलवाएंगे कि अगर कोई उन्हें जुल्म और फसाद से बचा सकता है तो वो हम हैं, हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी की बनाई हुई सरकार है। एक्सेलेंट आइडिया। और इसी आइडिया को कामयाब बनाने के लिए, मतलब खून बहाने के लिए, हमें पैसा पानी की तरह बहाना होगा। और इसीलिए आज मैंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और शहर के बड़े बड़े रईसों को दावत दी है। तो क्या इरादा है आप लोगों का? 50 लाख जमा हो जाए तो काफी है? फिलहाल तो काफी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ज्यादा जमा हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सियासत एक खेत की तरह है और सियासतदान एक किसान की तरह होता है। आज इतना बोओगे कल उसका 1000 गुना पाओगे। आज अगर लाख लगाओगे तो कल करोड़ पाओगे। आज अगर करोड़ लगाओगे तो कल अरबों पा सकते हो।